आज पटना में जितने भी मोबाइल दुकानदार हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑनलाइन सर्विस का पूरा विरोध किया। उन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन सर्विस ने रिटेलरों का दुकानदारी ख़राब कर दिया है। कुछ मोबाइल विक्रेताओं से हमने बात की, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर क्या विरोध है? हम लोग जो है ऑनलाइन कंपनी को सपोर्ट करने वाली कंपनियों के विरोध में हैं, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे कंपनी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष का जो इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको हैवी डिस्काउंट दे कर करके सभी कस्टमर को ऑनलाइन की तरह डाइवर्ट कर रही है। हमारे पास कोई ऑफर नहीं होता है, मेन लाइन दुकानदार जो लोग हैं हमारे पास कोई ऑफर नहीं देती है कंपनियाँ, और ऑनलाइन में कई तरह के डिस्काउंट चलते हैं, कैशबैक चलते हैं, सब चीज़ चलते हैं, जिसके वजह से ये सारे कस्टमर डाइवर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन की तरफ। उनको ये च्वाइस उनके पास मिलना चाहिए। हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, CCI को नॉर्म्स को फॉलो करें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे, ताकि कस्टमर का च्वाइस हो कि वो ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन खरीदे या मेन लाइन नहीं खरीदे, ये उनका च्वाइस होना चाहिए। लेकिन ये ऑनलाइन कंपनियां ये सिस्टम को ख़त्म कर रही है, और जब ये सारे हमारे दुकानदार भाई ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे, बंद कर देंगे अपनी दुकानों को, यही कंपनियां उसी प्रोडक्ट को दुगना दाम में बेचेगी, तब उनके पास हमारे ग्राहक के पास भी कोई च्वाइस नहीं होगा कि वो कहाँ से खरीदेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही च्वाइस होगा, वो ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, उस समय वो जो मन मर्जी से व्यापार करेंगे उनके ऊपर चलना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम को जो कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब ये जो ऑनलाइन कंपनियों को जो सपोर्ट कर रही है ये कंपनियाँ, उनके विरोध में है। ये रियलमी एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि इनको सपोर्ट कर रही है ऑनलाइन कंपनियों को, जो हमारे पास ऑफर नहीं दे रही है। तो ये उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर पूरे भारत पूरे बिहार से लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में इस तरह की आक्रोश रैली चल रही है। आगे की क्यों बहुत बड़ा चिकन खेलना पड़ता है।